ये पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। वहाँ से आला तालीम हासिल करने के लिए सेंट पीटर्स गए और आला तालीम हासिल करने के लिए यूएसए गए। इनके बेस्ट फ्रेंड्स का नाम है बम्बई छालिया, तनी छालिया, तारा छालिया और मेट्रो छालिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली अकबर चौधरी। कहाँ है उस्ताद? अरे न्यू फारेगे भाई, स्टेपनी बुड्ढी हो गई है। आज का जो मैच आप जैसे देख रहे हैं लेडीज वर्सेस जेंट्स है, क्या आप देख रहे हैं एक इंक्लूजर के अंदर है और एक इंक्लूजर के बाहर है। अच्छा, ताकि लिमिटेशन ना हो। लगा वो उनका रिफ्लेक्शन था। तो मैच शुरू हो गया है। ओके, और पहला पॉइंट तो किया है, फाउल है, फाउल है, किया है मेरे ख्याल से। और ओके, बहुत जबरदस्त, का नाम अगर बलूनी नहीं होता तो गुब्बारे जमीन पर भी हो सकता था। हाँ जी, सो द दुआ ब्रांड प्रेजेंट्स बलूनी का पहला क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है और बड़ा जेंगो मैच होने जा रहा है। तो हम अल्ताफ भाई के पास जाएंगे। वैसे एक बात बताता चलूं, वास नेक्स की पहली पेमेंट क्लियर हो गई तो अल्ताफ भाई को सुबह हमने काशीस के यहाँ भेजा, पूरा मेकअप और सब करवा के आए। सो ओवर टू मिस्टर अल्ताफ। थैंक यू जोनी भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बलूनी कप क्वार्टर फाइनल राउंड। यू नो व्हाट टाइम इट इज? इट्स टाइम। Introducing first, fighting out of the black corner from Sinti Muslim Karachi, Miss Noreen Fatma! And his opponent, fighting out of the red corner, Mr. Amar Ali! ये थे अल्ताफ साहब और बड़े डैशिंग बन के आए। वो अंडरटेकर का मैनेजर नहीं था, पॉल बेरर टच दिया है पूरा। और टचअप एक चीज होती है, टचअप जो टच करके निकल जाता है, एक होता है टचअप गिर गया। ब्लोन अवे भाई अल्ताफ भाई, मेरे ख्याल से अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े ये भी खिताब कर ही लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। और ड्रेसिंग से मैं कहता हूँ कि इनको खास सोफे पे ही बिठाया जाए, ये आगे वाले मेहमान है। आज का जो मैच आप जैसे देख रहे हैं लेडीज वर्सेस जेंट्स है। चले अहमद और नौरीन, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या करते हैं। अहमद की थोड़ी एक राइडर लुक आ रही है मुझे यहाँ से, अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने सेफ्टी वगैरह का बड़ा डॉक्टर भी बैठे बाहर, अंदर रेफरी भी मौजूद है। बिल्कुल भाई, एक और बाहर भी मौजूद है रेफरी। बिल्कुल जेंगो है हमारे दोनों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक इंक्लूजर के अंदर है और एक इंक्लूजर के बाहर है। अच्छा, ताकि लिमिटेशन ना हो। लगा वो उनका रिफ्लेक्शन था, एक दूसरा बंदा है, एक दूसरा बंदा है, थर्ड है। क्या हाल है? अच्छा, दो रेफरी तो ये है, कभी कभी डिस्क्रेपेंसी हो जाती है, कार के इस तरफ रह जाते हैं रेफरी, दोनों से मिस हो जाता है, तो डीआरएस सिस्टम भी है, थर्ड अंपायर भी है और हम यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं, हमने भी फैसले दिए। अरे भाई, हाँ यहाँ तक भी मामला है। बहुत आप लोग बहुत आगे निकल गए हो टेक्नोलॉजी को लेके। हम पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत आगे निकल रहे हैं, बोलान में इसी आ गया भाई। आपने उसका स्विच देखा? मैं स्विच देखा है, वॉशिंग मशीन वाला स्विच है, अब क्या करें। चले जी, चले ओवर टू रेफरी साहब, टॉस कीजिए और देखते हैं कि पहली सर्व किसको मिलेगी। रेफरी जो है ये बिल्कुल फुटबॉल के प्रोफेशनल रेफरीज हैं। टॉस जीता है अहमद ने। तो अब मैच हम शुरू करने जा रहे हैं, रेफरी का इंतजार है जी। चले, माजी में क्या देखा गया है कि पहली सर्व में कुछ चलाकी होती है, कुछ स्ट्रेटजी है, बस एक क्लोजेस जो हुआ है ना, 7 सेकंड के अंदर भी स्कोर हुआ है, पहले 7 सेकंड के अंदर भी। ऑलराइट, तो मैच शुरू हो गया है। ओके, और पहला पॉइंट तो किया है, फाउल है, फाउल है। अच्छा, आप यू नहीं कर सकते, आप बॉडी नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते, नहीं मार सकते, इसके फाउल है। तो नौरीन ने 4 सेकंड में स्कोर कर दिया, 4 सेकंड अभी तक का। अच्छा, आपने गौर रिकॉर्ड है, गौर किया होगा कि अच्छा आप ये भी देखें कि येलो कार्ड और रेड कार्ड का भी ये भी इंतजाम है भाई, ये भी इंतजाम है ये इनके पास। पहला स्कोर नौरीन का हो चुका है। मैंने ये नोट किया कि अहमद ने बड़ी बेहिसी से बदली से गुब्बारे को एक चमाट मारा के इसमें एक नफरत देखी मुझे, एक पुराने वक्त का कोई एक तकलीफ इन्होंने बलून की शक्ल में देखी। मुझे तो लग रहा है कि अहमद ने बहुत अच्छी रिट्रीव की। ये बड़ा एक दिलचस्प मैच है। क्या हुआ? अहमद का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि
रेफरी बीच में आ गए थे, कभी-कभी अभी तक ऐसा हुआ है अली भाई के जुनैद भाई रेफरी जख्मी हुए हैं इस गेम में? नहीं 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 भाई, वो बहुत फुटबॉल के रेफरी हैं, रेफरिंग करते करते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रेफरी का, किसी का पॉइंट नहीं है। क्यों तो फिर क्या है ये, कोई बात हुई इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार है आपने शुरू में बताया मैं एरोस्पेस का इंजीनियर हूँ, इसमें मुझे थोड़ी टेक्निक्स भी समझ में आ रही हैं। और आप अंदर है तो बड़ी साइंस है, देख रहे होंगे कि बलून को धमाक मार के वो एंड में जाके रुक भी जाता है, ऐसी है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एंड में जाके थोड़ा उलट रहा है, स्पिन आ रही है उसमें, बिल्कुल वो घूमता है और अपनी जगह बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, फिर से एक दफा मैदान में अहमद को मोटिवेशन दी गई मेरे ख्याल से। नौरीन का पॉइंट बिल्कुल ऐसी है, अहमद का ये रेफरी नौरीन का पॉइंट हुआ है, इसका पॉइंट है नौरीन का पॉइंट, नौरीन का पॉइंट हुआ है। 2-0 दो सिफर से गेम जारी है। चल भाई अहमद जान मार थोड़ी सी, नौरीन जो है पूरी स्पिरिट के साथ मैच खेल रही है, बिकॉज़ सही नजरों से देखा है अहमद ने, नफरत से देखा, दिल किया कि आपको बलून को नहीं मार रहा है। अहमद की काफी जबरदस्त जा रही है, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, नौरीन का पॉइंट। मेरे ख्याल से पैसे नौरीन पे ही लगे हैं तो अब बेहतर हैं। अहमद आज थके हुए लग रहे हैं महसूस, थोड़ी सी एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। ऑलराइट, नौरीन इज लीडिंग 3-0। यार हमारे क्वालिफाइंग में सिर्फ दो ही लड़कियां थी और अगर मुझे लग रहा है कि एक लड़की सेमीफाइनल तक जाती भी दिख रही है, आउट ऑफ ऑल द पीपल बहुत इजी जा रहा है नौरीन का। अहमद वर्सेस नौरीन, और अहमद ने पहला पॉइंट किया, अहमद के लिए भी काफी सपोर्ट ऑडियंस में मौजूद है। सामान गिरना शुरू हो गया फाइनली, कॉर्नर में थोड़ी डॉजी होते ठीक है, और ये क्या होगा? एक अच्छा बाहर भी तो फाउल है, फेक भी किया नौरीन ने, गाड़ी के उस तरफ गई बॉल। ओके ओके ओके, अरे दोनों आगे लगा रहे, आगे भी जाके चला रहे बलून को, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, इससे एमर के कॉर्नर में आए, ओ ये पॉइंट हो गया नौरीन का। क्या हुआ? अच्छा एम्पायर ने फाउल दिया है कि आपने ब्लॉक किया अहमद को। तंग जगह थी, इसमें कितने ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं। रेफरी जो है सीरियस चल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई कि मैं कोई चांस नहीं लूंगा। अच्छा ये ब्लॉक हुआ है तो ये दोबारा जा रही है, दोबारा स्कोर जा रही है, नौरीन इज लीडिंग द मैच, अहमद जो है बीन बैग बहुत है, बहुत है, एक और फाउल, ये स्मैश हुआ है या ये पहली गेम है भाई जिसके अंदर मैक्सिमम फाउल थी ना, जबटी कत्लो गारत पे बात आ चुकी है अंदर, ये दिल दिल में एक दूसरे को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा अहमद तो कह रहा है अहमद ने फिर से शिकस्त के, रेफरी ने कुछ कहा, दोनों को हम पानी पिलाएंगे और हमारे गेस्ट और होस्ट जाके उनसे बात करेंगे। बहुत मुबारक हो आपको। ऑलराइट, वोटेला का हाइड्रेशन ब्रेक हुआ खत्म, पहले हाफ का स्कोर है नौरीन 4-2। सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है, एमर वर्सेज नौरीन, नौरीन गिराया अहमद ने, अहमद की इंतहाई अहमद का, यस
क्लोज कॉल, क्लोज कॉल, बहुत ही बेहतरीन एक डाइव दी है रेफरी से। अब पूछेंगे कि ये पॉइंट करने के बाद जिस तरह से हमें देखा है 4-3 पे बात आ चुकी है भाई, 4-3 पे बात आ गई है। एमर इज क्लोजिंग इन, नौरीन का एक्स बॉक्स और लाख रुपए का ख्वाब। ठीक है, नौरीन में हमने एक ड्राइव देखी, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, और पॉइंट मेरे ख्याल से नौरीन का हुआ है। Alright, 5-3 से नौरीन लीड कर रही है। 2 मिनट 8 सेकंड का टाइम रह गया। क्या अहमर ये गैप क्लोज कर सकते हैं? अहमर मुश्किल लग रहा है 2 मिनट में किस्मत को पलटना। भाई 15-15 भी स्कोर हुआ है, 15-15 स्कोर हुए हैं। चल भाई अहमर, नौरीन की बहुत सपोर्ट लेडीज की तरफ से दी जा रही है, बॉयज ऑब्वियसली अहमर को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वाह कार्ड के आगे पीछे गेम चल रहा है। स्टूल फिर से गिर चुके हैं, स्टूल के साथ दुश्मनी है, बहुत टाइट। ओह, ये फाउल नहीं है, ये फाउल है, ये फिर से तमाचा फाउल, तमाचा फाउल एमर ने मारा है। 6-3 गैप इज वाइडनिंग। एमर जो है जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर चेहरे पे आने नहीं देते। नौरीन सेमीफाइनल में जाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। एमर कैन ऑलवेज कम बैक, एमर अगर थोड़ा सा स्मार्ट गेम प्ले करे ही कैन कम बैक। एमर और दुआ परफ्यूम दोनों को ले डूबी नौरीन। 7-3 अब तो नौरीन जीत की झिल्ली पे हैं। कुछ एमर की काफी सपोर्ट, ऑडियंस वॉइस मौजूद है एमर के लिए। भाई नौरीन ने बड़ी अच्छी जंप की, पहलो राइडर शपाटर वॉइस पहले ही गिरा दिया। कप मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, मेरी नई ट्रॉफी तो किसी की भी नहीं। ऑलराइट, कोने पे पहुंच गए बाबा गार्ड की, कोने कॉर्नर पे पहुंच गए हैं, दोनों फंस गए हैं। टेक्नोलॉजी का डबल कमाल है। फिर से गुब्बारा जमीन की जानिब आ चुका है और एमर का पॉइंट हुआ 7-4। एमर गेम में वापस आते हुए, शो का नाम अगर बलूनी नहीं होता तो गुब्बारे जमीन पर भी हो सकता था। यार ये हमें पहले सोचना चाहिए था, अब तो बहुत देर होगी। चले जी, 7-4 1 मिनट 10 सेकंड का टाइम रहता है। एमर मुझे लग रहा है फील्ड में वापस आ रहे हैं, कप तो पहले ही गिरा चुके हैं। खेलते हुए नौरीन ने फिर उठाया उसको, टेबल की गेंद बाहर चल रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से कोने में आए हैं, ऊपर उछाला नौरीन ने, बात एक जो एमर सपोर्टर्स क्या कहेंगे, खामोशी चाहिए। 50 सेकंड का टाइम रह गया, 7-4 45 सेकंड, कॉर्नर पे काफी टाइम इन्होंने निकाल दिया। बहुत जबरदस्त, नौरीन चैंपियन होती हुई दिख रही है मुझे। 30 सेकंड, एक लंबी रैली सेकंड रहता है, सोफे में बैठी नौरीन। Alright, 30 सेकंड का टाइम रह गया, 7-4 का स्कोर है। एमर का गैप बढ़ रहा है, 25 सेकंड रह गए हैं। नौरीन मुझे जीतती हुई लग रही है, बड़ी लंबी रैली चल गई। आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट रैली वी हैड सो फार। दुआ परफ्यूम बॉर्डर के पास 15 सेकंड रह गए हैं, नौरीन जीत की तरफ गामजन, सेमीफाइनल की तरफ नौरीन मुझे जाती हुई दिख रही है। ऑडियंस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जीत चुकी है। इवन दो 10 सेकंड रह गए थे गैप ज्यादा, नौरीन एंड तक भागती रही। हालांकि अगर वो पॉइंट दे भी देती, लेकिन जुनैद भैया वो उसने उसको बड़ा एक रूम दिया यार जीतने के लिए। नौरीन का फूड का बिजनेस मुझे बनता हुआ दिख रहा है, निखरता हुआ दिख रहा है, और इसमें इंशाल्लाह अहमर की भी एज अ राइडर जॉब लग सकती है इस फूड बिजनेस में। Alright, तो ये था दुआ ब्रांड प्रेजेंट्स बलूनी का पहला क्वार्टर फाइनल जो कि नौरीन ने बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया है। अकबर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले नौरीन को, बहुत अच्छा मैच था, बहुत इंजॉय किया हमने। और नौरीन दिल छोटा मत कीजिएगा, ये एक मामूली पर्चा नहीं है, एक्सेस कार्ड है सेमीफाइनल का, जो आपको यही चाहिए था आपको, वन स्टेप क्लोजर। और चूंकि अहमर क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया है तो अहमर भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इनके लिए है 10,000 रुपीज का कैश इनाम और साथ ही द दुआ ब्रांड की गिफ्ट हैम्पर। तो ये था हमारा आज का पहला क्वार्टर फाइनल। अगर आप चाहते हैं आगे के भी मैचेस देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और हम साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम ब्रांड्स का, टाइटल स्पॉन्सर द दुआ ब्रांड, जिनके परफ्यूम्स की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और साथ ही साथ वाह स्नैक्स हमारा मंचिंग पार्टनर, वाह वाह कार्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म
फॉर कार सेल एंड परचेज एंड हमारा हाइड्रेशन पार्टनर वोटेला एंड फाइंड माई डॉक्टर जिन्होंने ख्याल रखा हुआ हमारा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, सेकेंड क्वार्टर फाइनल में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और अली अब्दुल्ला को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बाहर जाइए, यहाँ पे लड़के खड़े हैं, लेडीज का क्या काम है यार। इसमें ना वो टाइटल सॉन्ग बलूनी तेरा लाल गगरा, सेट पे नहीं घूमो भाई। रेफरी स्टूल उठाइएगा, स्टूल उठाइएगा, स्टूल फिक्स कर दें यार। ये बिल्ली बिल्ली रो रही है, ये बिल्ली भगाओ यार, सेट पे बिल्ली आ गई दो इसको। रेफरी ये क्या हुआ है? हेलो हेलो हो, आवाज नहीं आ रही ना रेफरी की, लग रहा है रैप हो रहा है फुल। हां दिस पाम्स आर स्वेटी, चल रहा है, रोल करें।